बेटा कहाँ हो तुम? आज की इस वीडियो में आप सभी को सिखाने वाला हूँ कि गाइस आप मनीषा वाल्मीकि के लिए स्टेटस कैसे बना सकते हैं ताकि यार उनको इंसाफ मिल जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है यार, आपको अपना पिक्सल लैब ओपन करना है। अगर आपके पास पिक्सल लैब नहीं है तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चूँकि मैंने ओपन कर लिया है, सो गाइस सबसे पहले क्या करना है यार, आपको ना वो वाला फ़ोटो लेना है। ये वाला फ़ोटो आपको थोड़ा सा जूम कर लेना है अपने हिसाब से, क्रॉप कर लेना। सो गाइस मैंने इस फोटो को कर लिया है क्रॉप। और गाइस सो गाइस क्रॉप करने के बाद क्या करना है आपको, ये वाले पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसकी स्ट्रोक लाइन बढ़ानी है। गाइस ये रहा स्ट्रोक लाइन, और स्ट्रोक बढ़ा लेनी है इस तरह से। ये देखिए गाइस जो रेड रेड हो गया है, अब आपको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। और गाइस अब क्या लिखना है यार, आपको लिखना है RIP मनीषा। इस तरह से आप लिख सकते हैं RIP मनीषा। सो गाइस अब क्या करना है यार, इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो गाइस फ़ॉन्ट चेंज कहाँ से होगा, ये वाला फ़ॉन्ट है AB जहाँ पर है इस पर ये फ़ॉन्ट चेंज होगा। तो गाइस हमको ना ये वाला फ़ॉन्ट लेना है, MMI फ़ॉन्ट। तो गाइस ये वाला फ़ॉन्ट हमने ले लिया। अब आपको क्या करना है, इसको PNG बनाना है। तो ये देखिएगा, इस पर क्लिक कर दें ट्रांसपेरेंट। अब क्या करना है, इस फोटो को आपको सेव कर लेना है अपनी गैलरी में। ये फोटो सेव हो चुका है। सो अब आपको अपना कैन मास्टर ओपन। सो गाइस अब क्या करना है आपको, इस प्लस वाले पे क्लिक। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास कैन मास्टर नहीं है सो गाइस आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वरना इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस प्लस वाले पे क्लिक करने के बाद आपको 16:9 का फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले एक वो वाला फ़ोटो लेना है जो हमने पिक्सल एम में बनाया था। ये वाला फ़ोटो था गाइस वो आपको, जो हमने पिक्सल एम में बनाया था। क्योंकि जब आपको इस पर क्लिक करना है और इसकी विग्नेट को ओपन कर लेना है। अब क्या करना है यार, आपको लेयर में जाना है और टेक्स्ट में जाके आपको लिख लेना है जस्टिस, जस्ट तो गाइस आपको जस्टिस लिख लेना है। तो गाइस मैंने लिख लिया है। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको साइड में लेना है और इसको जूम कर लेना है इस तरह से। गाइस अभी आपको इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो फ़ॉन्ट चेंज यहाँ से होगा। ये देखिए गाइस, अब आपको साइड में 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इसको डुप्लीकेट कर देना है। यानी कि ये जो है 2 बन चुके हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देख गाइस 2 बन चुके हैं। अब आपको इस वाले को इधर लगा देना है और इसकी लेयर को भी इतना ही बढ़ा लेना है जितना हमारा बैकग्राउंड है। तो गाइस अब क्या करना है यार, आपको सॉन्ग लेना है, लेयर में जाना है और मीडियम में जाना है। और मीडियम में जाने के बाद आपको ये वाला लेना है, ये सॉन्ग लेना है। आपको साइड में ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, गाइस ब्लेंडिंग पे जाके आपको स्क्रीन कर देना है। तो ये जो हमारा था वो सॉन्ग है, उसका बैकग्राउंड हट चुका है। ये देखिए गाइस, अब आपको इस सॉन्ग को कहाँ लगाना है, अब इस सॉन्ग को आपको थोड़ा सा जूम कर लेना है। सो गाइस हमने ये ले लिया है, सो गाइस इसको एडजस्ट भी कर लिया है इस तरह से, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सो गाइस हमने ये एडजस्ट यहाँ पर कर लिया है। सो गाइस अब क्या करना है यार, आपको मोमबत्ती वाली इफेक्ट वीडियो लेना है। सो गाइस ये इफेक्ट वीडियो लेना है, आपको साइड में फिर से आपको ब्लेंडिंग पे जाना है, और ब्लेंडिंग पे जाने के बाद आपको स्क्रीन कर देना है। सो गाइस इसका बैकग्राउंड भी हट चुका है। सो गाइस आपको इसको यहाँ पर लगा देना है, सही से लगा देना है गाइस, इस तरह से आपको लगा देना है। और इसको भी इतना ही बढ़ा लेना है जितना हमारा बैकग्राउंड था, जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेते हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा है, तो इसको कंची वाली पे जाएंगे और भाई इधर वाला कट कर लेंगे। ये कट हो चुका है। सो गाइस देखिए हमारा बन के रेडी हो भी चुका है। ये देखिए आप बेटा, देखिए आपको ये वीडियो अपनी गैलरी में सेव करनी है, तो आपको यहाँ शेयर में जाइएगा और इसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो चुका है, आप इसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं। ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई आपसे बस आज लाइक कोई कुछ नहीं बोलूँगा, बस आपसे एक चीज़ है यार, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो को बना के ऐसे ही स्टेटस बना के और लोगों को सेंड करें, ताकि सब लोगों को पता चल सके और हमारी मनीषा दीदी को इंसाफ मिल सके। तो आई होप आपको